फाइनाल पहुंची पेरिस ओलंपिक्स रे भारतर सबुठारु बड़ आशा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 99.34 मीटर थ्रो सहित से जावलिन थ्रो फाइनाल रे पहुंची सारी चलित सीजन रो ए थिला तांकर व्यक्तिगत भाव में श्रेष्ठ प्रदर्शन ग्रुप बी रे रही नीरज चोपड़ा तेज वर्तमान जहाँ बड़ खबर आ कि समय पूर्व फाइनाल प्रवेश कर सारी ओलंपिक्स रे भारतर सबुठ बड़ आशा नीरज चोपड़ा डिफेंडिंग चैंपियन टोक्यो रे स्वर्ण पदक विजेता 99.34 मीटर थ्रो सहित से मात्र गोटे थ्रो करते ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन रे से फाइनाल प्रवेश करते जदि उभय ग्रुप कथा कह ग्रुप बी रे नीरज चोपड़ा रही है उभय ग्रुप कथा भी जदि देखा तेज प्रथम स्थान रही नीरज चोपड़ा और आशा करा फाइनाल से यही प्रदर्शन को दोहराइबे टोक्यो रे जो स्वर्णिम पदक भारत को से देते पुणी थे पेरिस से स्वर्ण पदक ही दिंतु तेरे चलित सीजन ये व्यक्तिगत श्रेष्ठ थ्रो किंतु अन्यपटे ग्रुप एक कथा जदि कह पु किशोर जेना फाइनाल को क्वालिफाई करिबारे विफल होती उभय ग्रुप रे नीरज चोपड़ा प्रथम स्थान रही भारत पुणी थे स्वर्ण पदक आशा करु 8 तारीख में जावलिन थ्रो रो फाइनाल मैच खेल तो नीरज चोपड़ा पुणी थे आशा देखा से पुणी थे देखते कहीं हाईली रेट कराए कहीं से डिफेंडिंग चैंपियन होती डिफेंडिंग चैंपियन तो रही एथर मध्य चैंपियन रही भारत को लगातार दुईट ओलंपिक्स दुईट पदक एवं से दुईट पदक स्वर्ण पदक हो आशा समस्त रही आज प्रदर्शन भी से ही आड़ को इशारा देखर व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन कहि चलित सीजन कथा कह क्वालिफाइंग राउंड कथा जदि कह ग्रुप ए कथा कहतु ग्रुप बी कथा कहतु 32 जन खेला भाग नहीं थे से प्रथम स्थान रही आशा पुणी थे देखते कि भाव में फॉर्म भल रही व्यक्तिगत सीजन जदि सीजन कथा कह व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन देखते फाइनाल रे प्रवेश कर सहित पुणी थे स्वर्ण पदक आशा को बढ़ाई भारतर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।